उन्होंने बोले कि न्याय जरूर दिलाएंगे बोल के जी, न्याय होगा आपके साथ, जो भी किया है उस दोषी को फांसी का सजा पहुंचना ही चाहिए, यही उन्होंने राय दिया है। क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा इतना बेरहमी से हुआ है कि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर में भी कोई नहीं था, केवल हम दोनों केवल थे, मेरे पति और हम थे, उसके अलावे घर में कोई नहीं था। इसलिए हम तो पुलिस के साथ मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब हुआ है, प्रशासन भी थे मौजूदगी, लेकिन उसका मौजूदगी में ये सब हुआ है तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? गौकसिया को लेकर के कुछ विरोध करते थे मेरे हस्बैंड, उसके लिए उसको पहले ही धमकी दिया गया था कि इसको मारना है बोल के, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं किए। बाद में वो शांत हो गया था, फिर हम लोग शादी किए, और शादी के बाद कुछ एक दो महीना बाद में हम लोग पेड़ खरीदे थे। जैसे हम लोग भाड़ा में रहते हैं, अभी तो भाड़ा में रहते हैं, इसलिए हम लोग घर बनाएंगे बोल के पेड़ खरीदे थे। पेड़ खरीदने के बाद में हम लोग अक्टूबर में कटवाए थे। अक्टूबर में कटवाने के बाद में उसको काटते हुए कोई देख लिया था, और उसको शायद वन विभाग वाले को सूचना दी, और वन विभाग वाले आए और सीज करके ले गए। सीज करके ले जाने के बाद नहीं हम लोगों को कोई नोटिस दिया था, नहीं कोई खबर मिला था हम लोग को कि इसके बारे में कार्रवाई भी होगी या फिर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं मिला। जैसे 4 तारीख को भी कोई मीटिंग रखा था, जैसे क्रिश्चियन भाई लोग मीटिंग रखा था, लेकिन हम लोग को हिंदू भाई को जा के घर घर बोला गया था कि जो नहीं मीटिंग आएगा उसको 500 रुपया जुर्माना लगेगा बोल के बोला था। और उन्होंने सब कोई मीटिंग तो गया, वो लोग को टाइम दिया था कोई दूसरा टाइम, जैसे वो लोग पहले ही मीटिंग कर लिया था, उसके बाद में वो लोग को टाइम दिया था। जैसे मेरे बस्ती वाले, छपरी डिपा है मेरा बस्ती, पुराना बस्ती, हम लोग तो रहते हैं बिसरा जरा बाजार राण में, वहाँ जा करके धमकी दिया था। उस समय सबको मीटिंग गया था, और मीटिंग जाने के बाद में वहाँ 12 बजे का टाइम दिया था वो लोग, और उससे पहले ही मीटिंग करके वो लोग मेरा घर पहुँच गया था जहाँ पर हम लोग रहते थे, बिसरा जरा में पहुँचने के बाद में मेरे पास 4 लोग पहुँचे थे, बाकी का भीड़ पैदल जा रहा था, इसलिए लेट से पहुँची थी मेरे पास। उसके जो ग्राम प्रधान हैं, जो सुबन बुड़ करके, वही मेरे पति को बोले कि उसके बाद में आप बोलती रहिए। आया ग्राम प्रधान, बोला कि कोई चुनाव का मीटिंग है बोल के, चुनाव का मीटिंग है बोला। उस समय हम ठीक है जाइए बोल के हम बोल दिए उसको, वो गए और रोड चढ़े ठीक से, जैसे घर है हम लोग मेन रोड के साइड में, गए लेके चढ़ रहे थे, और रोड में जैसे ही चढ़े उसको खींचते हुए ले जा रहा था। तो हम पूछे उनसे कि क्यों खींचते हुए ले जा रहे हैं, मीटिंग होता है, कोई बात होती है तो प्यार से ना होती है, किसी को तो ऐसा खींच कर नहीं ले जाते हैं बोले हम उनसे। तो ऐसे ही भाभी, बस भाई भाई में इसे ही मजाक हो रहा है, इसे बोले तो ठीक है मजाक होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि किसी को तकलीफ लगे। तो नहीं भाभी अब गुस्सा गए बोल रहा है, घुसाने का बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मन को हताश हो गया। खींचते हुए ले गया, और जहाँ पर मार्केट के जस्ट सामने में ही ले गया, और खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया, और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। उसके बाद में मारने लगे, उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए बोल के बचाने के लिए, तो हमको भी मार पड़ा था, हमको मार रहा था उस समय मेरी छोटी बहन लोग, दो वो लोग घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो लोग तालाब गई हुई थी इसलिए घर में नहीं थी। आई उसके बाद में देखी कि दीदी और जीजू को मार रहे, तो वो लोग भी टूट पड़ी कि क्यों मार रहा है भाई दीदी और जीजू को बोल के। उसके बाद में
एगो मेरी बड़ी मम्मी की थी, एगो अपनी बहन थी जो बड़ी मम्मी की बेटी थी, उसको शायद यहाँ कन इधर चोट लगा था शायद, पता नहीं क्या से मारा था, वो तो हम देखने नहीं सके क्योंकि हम तो हमको भी मारा सिर में, उस समय चोट लगा, हम गिर गए वहीं पर पैर पकड़ ले पकड़, जिस समय हमको होश आया उस समय तो हम रोड के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे बोल के बोले, लेकिन वहाँ घुसने नहीं दिया, प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ पकड़ के हम गिर गिर आए कि बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना था। अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें, न्याय दिला सकेगी पुलिस? कौन लोग थे पुलिस के वहाँ? जो ठेठे टांगर पुलिस लोग थे, कैसे भरोसा करेंगे कि पुलिस हमको न्याय दिला सकेगी? अच्छा, ये कौन लोग? एक मिनट, आपको जो लग रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से जो है कि आप हत्या किया गया आपका पति का, ऐसा क्यों लगता है? क्या आखिर ऐसा कारण है कि जिसके कारण वो इतना षड्यंत्र रच करके आपका पति का हत्या किया गया है? जैसे गौकसिया को लेकर के मेरा पति मेरा हस्बैंड ने विरोध करते थे, इसीलिए वो मारने के लिए ये सब। 28 तारीख वाला मारो, जैसे 28 तारीख को हम लोग के यहाँ मेला लगता है, जैसे खुटकट्टी मेला, खुटकट्टी मेला लगता है, उसमें हम लोग के कोलेबरा प्रखंड के विधायक गए हुए थे जो जी बोलिए आप, बिक्सल कुंगाड़ी गए हुए थे, शायद पूरा पब्लिक को वही भड़काए थे, इसलिए हमको तो लगता है कि शायद कोई यही लोगों के हाथ है, विधायक का ही, इसीलिए जानबूझ के मरवाया है। वो विरोध करते थे गोकसिया को लेके, इसीलिए शायद मरवा दिया उसने। पहले कभी कुंगाली से आपके पति का कुछ हुआ था, लड़ाई बहस से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल भी कभी कभी जाते थे बिस्कल कुंगाड़ी और मिलते भी थे, और उस दिन जिस दिन वैसा घटना घटा उसके तीसरे दिन वो गए थे और बोल दिया कि हम नहीं पहचान रहे हैं इसको, हम उसको अपने आँखों से देखे थे मिलते हुए, कहे जैसे हम लोग के बुजुर्ग हैं वो लोग मैदान बनाने के लिए कुछ जगह दिए हैं अनुदान में, जैसे कृष्ण भाई लोग को। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ विधायक ही करवाए हैं? विधायक ही करवाया है, हमको तो ये तो वो पक्का लग रहा है क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में हुई है, तो हम कैसे विधायक को शक ना करें? आप ही लोग बताइए। तो क्या चाहते हैं? तो अब आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? आप महामहिम से मिलने आए हैं, क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए हमको, सरकार से ही चाहूंगी मैं कि हमको न्याय दिलाए, और क्योंकि मेरा तो सब कुछ वही थे घर में पालने वाले, मेरे ससुर भी नहीं है, मेरे जेठ जी हैं लेकिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं, कहे कि खेती बाड़ी हम सब छोटा मोटा करते हैं उसमें बिजी रहते हैं, मेरे सास को और हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो हमको तो सरकार से न्याय ही चाहिए और CBI जांच कड़ी से कड़ी करे, यही मेरे दरख्वास्त है सरकार से। अच्छा, ये कभी धर्म परिवर्तन के लिए परिवार पर दबाव पड़ा क्या कि कभी लोग बोला कि ये ईसाई धर्म में तुम लोग शामिल हो जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। मीडिया के हिसाब से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि वो आप ही के परिवार के परिजन है? हाँ, वो तीन लोग निर्दोष हैं, मेरे चचा ससुर लोग ही है। सबसे पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए मुजरिम को जो इसे बेरहमी से मारा है उसको। किसके शक है? लेकिन सबसे पहले मेरे चचा ससुर को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं वो तो पुलिस ही बता पाएगी, क्यों किए हैं और काहे किए हैं उसको तो हम नहीं बता पाएंगे। पुलिस के लोग आपके साथ बैठे हैं, आपसे कुछ पूछताछ किए हैं कि भाई किस पे शक है, आपको क्या लगता है, ऐसा कोई बातचीत हुई है प्रशासन से? सादा कागज में सिग्नेचर करा के ले गया है, हम उसके पुलिस से कोई बात नहीं हुई मेरी। जिस दिन वैसे घटना घटा उस दिन करीबन 6 बजे आसपास मेरे से सादा पेपर में 3 सिग्नेचर करा के ले गए हैं वो लोग। आप पूछे नहीं कहे सही होगा, मेरा तो दिमाग नहीं था, हम इस पागल की तरह जहाँ पर तहाँ गिर पड़ रहे हैं, तो क्या दिमाग होगा कि हमको क्या करवा रहा है? तो क्या बोल करके सिग्नेचर करवाए, कुछ तो बोले होंगे ना? कुछ नहीं बोले कि यहाँ पर कुछ काम है, 3 सिग्नेचर कर दीजिए बोल का बोला, समय हम सिग्नेचर कर दिए। और ये मेरी दीदी है, वो पूछे भी थे कि क्या काम है और सादा पेपर में क्यों सिग्नेचर करवा रहे हैं बोले, तो उन्होंने काम है ऐसे ही जवाब दिया था। आपके तरफ से कोई FIR वगैरह किया गया है थाने में जाकर के वहाँ पे? हाँ किए हैं हम,
7 तारीख को जाके एफ आई आर दिए हैं हम थाना में। कोई नेम एफ आई आर है किसका, किसी का नाम दिए हैं उसमें दर्ज किए हैं? हाँ नाम तो दिए हैं लेकिन उतना हमको याद नहीं है क्या क्या नाम है, लेकिन मेन वही है। जिस विधायक पे आप आरोप लगा रही हैं वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अभी कांग्रेस के, हाँ तो क्या उनका भी नाम आपने उस आवेदन में दिया है थाने में? विधायक के नाम नहीं दिए हैं लेकिन ये तो हम जानते हैं कि विधायक ही करवाए हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस मौजूद भी थी और प्रशासन भी मौजूद थे। और क्यों नहीं किया गया वहाँ पर, जब रो रो के वहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हैं हम, मेरी सास आई घर से, इसको कोई बताया फ़ोन करके तो आई है, और मेरा बेटा का एक बार चेहरा देखेंगे बोल के ही अपना जो सीता जलाने के लिए वहाँ पर लकड़ी डाला था उसको उठा रही हैं, इतना ज़्यादा लकड़ी था कि उठा नहीं पाई, इसको क्यों धक्के मार रहा था, पुलिस वहाँ पर नहीं थी क्या? अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जब आप इतना नहीं नहीं आप माँ भी बनने वाली थी, बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसी लड़ाई झगड़ा के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी? हाँ लड़ाई जिस समय मारपीट पड़ा उसी दिन से स्टार्टिंग हुई थी मेरी, उसी दिन से। घटना के बाद कभी कोंगाड़ी जी गए बिक्सल जी मिलने आप लोग से? गए थे। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, गए और वो देख के चले आए कि क्या हालत है, यहाँ से देख के गए। उसके बाद में शायद और वहाँ जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं बम्बल केरा जो हम लोग के ग्राम सभा है वहाँ पर गए थे, शायद कुछ और मीटिंग किए थे, ऐसे सुनने में आ रहा है। आप इतना दावे के साथ बोल रहे हैं कि विधायक का संलिप्तता है, तो उस आवेदन में आप नाम क्यों नहीं दी, क्या वजह रहा? विधायक का नाम नहीं है तो आवेदन में किसका नाम है, किसके खिलाफ शिकायत की है? ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं सुबन बुड़ के, वही सबसे पहले मारने स्टार्टिंग किए थे ना। ठीक है, अब आगे क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।